Bismillahir Rahmanir Rahim. The first semi-final match. Let me introduce who with the players. She is world rank 54, national ranking number one, Bachelor of Civil Engineer. She loved Pakistan. She liked the food here. She said a bit spicy, but she still like it. From Lithuania, Anita Makvika. And her opponent, world number two, she won many PSA events. She represented Egypt. She is a fine stroke maker player. Her motive is play fair game. The world number two from Egypt, Nuran Gohar. Match referee, Kaleemullah Khan Kakar. Assist by Muhammad Imran. Stay there, girls. Stay there. Stay there. Stay there, please. May I ask also Mr. Janshir Khan, Prince Umar, and Janzib Khan to join for photograph. सर साइड पर होंगे आप थैंक यू Play well, girls. Enjoy the game. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ये पहला मैच है आज का. Nuran Gohar जो world number two है और उनके साथ है Anita. लिथुआनिया की हैं अनीता और ये सेमीफाइनल मैच है आज का लेडीज का पहला सेमीफाइनल और जो वाइट शर्ट्स में है वो अनीता है और जो ब्लैक शर्ट्स में है वो Nuran Gohar है अनीता मैकनोवा कल भी बड़ा अच्छा मैच जीती है हाइट है काफी और Nuran Gohar जो है वो तो और बहुत ही अच्छी रैंकिंग में भी एक एडवांटेज है कि वर्ल्ड नंबर टू है सजाद हाइट के साथ इनका जो वॉली ड्रॉप है वो बहुत प्यारा है जी बिल्कुल क्योंकि हाइट का फायदा उठाती है और टी इसे अच्छा इंटरसेप्ट करती है बॉल को तो लेट्स सी कल के मैच में Nuran Gohar के साथ हमारी पाकिस्तानी प्लेयर मदीना जफर खेली आप उसके बारे में कुछ बताएंगे मदीना कल बड़ा आउटस्टैंडिंग खेली है एक गेम भी जीती है और एक गेम बहुत क्लोज 9-11 से हारी है वो और बड़ा अच्छा मैच था और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था जो कल अनएक्सपेक्टेड मैच मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मदीना से लेकिन बहुत अच्छा खेली है कल और हमें अगर नासिर इकबाल के मैच को डिस्कस न करें तो ये भी ज्यादती है वो तो आउट क्लास था कल बहुत आउट क्लास मैच दोनों प्लेयर्स इतनी लंबी रैलीज और जो उन्होंने उनकी रनिंग थी कोर्ट के अंदर वो तो कमाल थी रॉड्रिगस जो बहुत ही
ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कल दोनों प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग खेले। और सजाद ये भी बताता चलूँ कि जो खूबसूरती नज़र आई है इन प्लेयरों में वो ये कि रेफरी के डिसीजन को उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, जो रेफरी ने डिसीजन दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया। आसिफ उनकी क्लियरेंस इतनी अच्छी थी और बॉल पे अप्रोच इतनी अच्छी थी कि रेफरी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं थी डिसीजन देने की। और कल बिल्कुल जो इंटरनेशनल लेवल पे वैसे भी आर्ग्यू बहुत कम हो गया है। आज हमारे साथ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जानशेर खान भी आए हुए हैं, उनके बारे में सजाद नाज़रीन को बताएं। आज तो जानशेर खान है हमारे साथ, जो आइकॉन ऑफ स्क्वाश और किंग ऑफ स्क्वाश हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद है। ये स्क्रीन पे आप देखें फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जानशेर खान और प्रिंस उमर जो इस सारे शो के हेड हैं। Nuran Al-Gohar of Egypt to serve, Anita Makvika of Lithuania to receive, best of five games, Labon. इस मैच को जो आज कंडक्ट कर रहे हैं नेशनल रेफरी कलीमुल्ला काकड़ और उनको असिस्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। पहली गेम में 3-0 की लीड नुरान की। खूबसूरत ड्राइव शॉट्स बोथ ऑफ प्लेयर्स। डाउन फॉर लव। नूरान आज काफी अच्छा खेल रही है, काफी अटैकिंग शॉट्स खेल रही है इस वक्त और बिल्कुल वो इजी बॉल नहीं दे रही अपनी ओपोनेंट को। शॉट ये ही अच्छा रिकवर किया अनीता के खेलने का, ये वेपन यूज करती है सेंटर कोर्ट से, काफी अच्छा एंटीसिपेशन बहुत अच्छी है सेंटर कोर्ट से, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाती है। वो खूबसूरत साइड वॉल रन गोल 5-2। रेडी नहीं थी सर्विस के लिए। काफी लीड है आसिफ नूरान की इस गेम में 6-2। अच्छा ड्रॉप शॉट
और बड़ा क्विक डिसीजन आया रेफरी का, क्योंकि बॉल काफी डीप थी और एफर्ट नहीं थी शायद जी, अच्छा नूरान था की रेफरी का। सजाद ये स्ट्रोक क्यों मिला कुछ बताएंगे ना जी? ये बड़ा अनलकी रहते हैं क्योंकि नूरान लूज बॉल खेला और बड़ी बड़ी हरी में थी बॉल को खेलने के लिए, बैक स्विंग में आ गई तो इस वजह से ये स्ट्रोक हुआ। और जो क्लियर नहीं किया है, जो नए रूल में है ये स्ट्रोक होता है, क्योंकि अपने ओपोनेंट ने जो स्ट्राइकर होता है उसने क्लियर होना होता है अपने बॉल खेलकर डायरेक्ट एक्सेस ओपोनेंट को देनी है, तो अनीता बॉल मार के खड़ी रही जिसकी वजह से स्ट्रोक मिला। बहुत ही खूबसूरत निक शॉट्स नूरान गोल के, फार्मर वर्ल्ड चैंपियन जान शेर खान। बहुत ही खूबसूरत शॉट्स और पहली गेम में 9-5 से लीड नूरान गोर की। काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रही है अनीता, क्योंकि उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा, कोई इजी बॉल नहीं मिल रहा खेलने के लिए, और जो 10-5 की लीड है। सजाद जो नूरान गोर की प्लानिंग है वो बड़ी प्यारी है, उन्होंने साइड वॉल ड्रॉप पे रखा हुआ है क्योंकि उनकी हाइट काफी लंबी जी। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, ऐसे ही है क्योंकि जो जो हाइट वाले प्लेयर होते हैं वो सेंटर और बैक कोर्ट से तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फ्रंट कोर्ट में उन्हें बेंड होना पड़ता है जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ही खूबसूरत साइड वॉल अनीता का। ये स्पेशल शॉट्स होती है, आपने मेरे मुंह की बात कही इसलिए स्पेशल मेरे मुंह में भी अड़ गया। ये बिल्कुल स्पेशल शॉट होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि ये इजी रिटर्न मिला, और ये इनका हथियार है सेंटर कोर्ट। बहुत ही अच्छी रिकवरी अनीता की, अब यहाँ से गेम जानी नहीं चाहिए जितनी एफर्ट्स के साथ उन्होंने ये स्कोर किया। अच्छा कमबैक किया, 4 पॉइंट्स बैक टू बैक लिए अनीता ने। ओ डियर, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ से ये गेम काफ़ी क्लोज थी 11-9, जबकि लीड 10-5 की थी। अच्छी फाइट थी अनीता की यहाँ तक आना। आज ये रिप्ले, पहले सेट की का रिप्ले है ये, आप देखें अच्छी शॉट्स खेली हैं सेंटर कोर्ट से स्टार्टिंग गेम के स्टार्ट में। शॉट की सजात, ये आप क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? मुझे काफ़ी डोमिनेट किया पहली गेम में गौहर ने, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक अनीता का, बैक टू बैक 4 पॉइंट्स जीते, लेकिन एक गलत शॉट खेली आखिरी रैली में और जिसका उनको बड़ी पनिशमेंट हुई और ये गेम 11-9 से हार गई। Well, they're on here.
दूसरी गेम के लिए प्लेयर्स रेडी हैं। आज हमारे पास स्क्वैश के आइकॉन वर्ल्ड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जानशेर खान, प्रिंस उमर और जिनका हम नाम नहीं लेंगे बहुत ज्यादा होगी, जानजे मसूद, जो इस सब गेम जितने यहाँ पर स्टार्ट हुए इसके मास्टरमाइंड हैं और ये सारा मेला उनकी वजह से आज है। ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं, बड़े स्टार्स हैं, उन्हें पाकिस्तान लाए और यहाँ के प्लेयर्स को भी मौका मिला इनके साथ खेलने का, तो ये सारा क्रेडिट हैट्स ऑफ टू जानजे मसूद। और ये पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये मेला सजाया इधर इफोर साइड ग्लासवाल, कोयटा में लगा, फिर मुल्तान में, तो फ्यूचर में ये एक स्टार्ट है। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव शॉट अनीता की। टर्न फोर, बड़ा क्विक लीड है ये गौहर की और आज कोई मौका नहीं जाने दे रही, जहां इजी बॉल मिलता है उसको भरपूर फायदा उठाती है उसका। और बिल्कुल कोई मौका नहीं अनीता के पास। Two six. दूसरी गेम का स्कोर। अच्छी शॉट अनीता की। सजाद, जब लीड ज्यादा हो जाती है उसके बाद अनीता कम बैक करती है, यही अगर वो लीड थोड़ी सी रोक के रखें तो साथ साथ पॉइंट बनाती जाए तो स्कोर इक्वल रहेगा, तो काफी प्रेशर बनता है फिर प्लेयर पर। और ये एक स्ट्रोक मिला नूरान कोहर को, 7-3। और ये अनफोर्स एरर अनीता का। यकीनन स्ट्रोक होगा और स्ट्रोक है, काफी लीड है इस गेम में भी। जी सजाद, बिल्कुल सही कह। और इसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही अनफोर्स एरर खेले हैं अनीता ने इस गेम में और बहुत ही ज्यादा लीड है इस गेम में नूरान की। अच्छी बॉल रेफरी की। और ये खूबसूरत ड्राइव शॉट, दो गेम की लीड हो गई है, 2-0 की लीड है नूरान कोहर की। टू लव की लीड बहुत होती है किसी प्लेयर को, अगर स्टार्टिंग में अच्छी लीड मिल जाए तो तीसरी गेम में इतना मोरल हाई होता है कि कोई प्रेशर नहीं, इजीली वो हर तरफ प्लेयर शॉट खेल सकता है। कि दूसरी गेम का रिप्ले,
स्क्रीन पे आप स्कोर देखें, लाहौर ने पहली गेम जो जीती वो 11-9 से जीती और दूसरी गेम 11-4 से जीती। कोई डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी अनीता को। बिल्कुल ऐसे ही, और नूरान है कोई प्रेशर नहीं है और बहुत सुकून से खेल रही है। अच्छी प्लानिंग है नूरान की, वो गेम की शुरू में लीड ले लेती हैं, उसके बाद वो बड़े प्लानिंग से खेलती हैं। बहुत ही इजी पॉइंट मिल रहे हैं इस वक्त नूरान को। फोर लव, तीसरी गेम का स्कोर। सजाद नाजरीन को बताएं कि इसके बाद जो मैच है, मेंस का जो मैच है वो बताएं, काफी अच्छा मैच है आज। मोहम्मद शोरबागी और मुस्तफा असाल का मैच है। मुस्तफा लोकस है जो कल तैयब असलम से जीते थे। हाँ, कब पहला दूसरा मैच उनका है और मेरी, मैं उस मैच का बड़ा बेताबी से मुझे इंतज़ार है। जो फिक्र ना करें, वो मैच आप ही करा रहे हैं, बेताबी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और मैच मैं देखूंगा बैठ के, जो मुस्तफ़ा साल और रोड्रिगेज़ का। वो बहुत अच्छा मैच होगा जी, बिल्कुल। उसके लिए आपने चारों आँखें खोल के रखनी है उस मैच के लिए। एक दफा फिर नूरान की, और ये मैच मुझे कोई तीन गेमों में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी अच्छी प्लानिंग है उनकी, दो शॉट सीधे खेल के तीसरी वो बॉल खेलती है जिसकी वजह से वो बॉल पे जा नहीं पा रही। स्ट्रोक बहुत हुए आसिफ, अनीता क्लियर नहीं करती बॉल, शॉट मार के वहीं पर खड़ी हो जाती है। मूवमेंट उनकी काफी स्लो है। नूरान बोर को फाइनल तक रसाई पहुंचने में दो पॉइंट्स की जरूरत है। खूबसूरत से ड्राइव और 10-5 से लीड कर रही हैं तीसरी गेम में। बहुत ही खूबसूरत शॉट नूरान गौर का, और इस तरह नूरान गौर ने ये 11-5 से तीसरी गेम जीतकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। फार्मर वर्ल्ड चैंपियन जानशेर खान, और ये मैच आज काफ़ी इजीली जीता नूरान गौहर ने,
और कल के मुकाबले में आज ये बहुत अच्छा खेली है, शायद कोर्ट में एडजस्ट हो गई। ये आप रिप्ले देखें जो हाइलाइट्स हैं इसी गेम के। आज एफर्ट कम नजर आई अनीता की। एक प्रेशर भी होता है वर्ल्ड नंबर टू का। ये फाइनल स्कोर है 11-9, 11-4, 11-5।